कैबिनेट मंत्री के पैतृक घर व गांव में छाया मातम। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन से मुरादाबाद के गांव मुंडा पांडे स्थित उनके पैतृक घर, रिश्तेदारों व गांव में शोक का माहौल है। खबर मिलते ही लोग शोक संवेदनाएं प्रकट करने मंत्री के पैतृक घर पहुंच रहे हैं। घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान पिछले महीने कोरोना संक्रमित होने के बाद से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें लखनऊ में भर्ती कराया गया था। अचानक उनकी शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। आज शाम मेदांता से उनके देहांत की दुखद खबर आने के बाद मुरादाबाद के ग्राम मुंडा पांडे स्थित उनके पैतृक आवास पर मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके के लोग भी अपने प्रिय नेता की मौत की खबर सुनकर वहां पहुंचने लगे हैं। साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अफसर भी इस गमगीन परिवार को संतावना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिवंगत मंत्री के रिश्तेदार हेमंत चौहान ने भावुक होते हुए कहा कि हम तो परिवार के हैं, लेकिन इलाके के लोगों से भी वो हमेशा परिवार की तरह ही मिलते थे, कभी मंत्री के रूप में नहीं मिलते थे। और सभी बच्चों खासकर युवाओं को समझाते थे कि पढ़ो लिखो और ईमानदारी के रास्ते पर चलो। हमारे ही नहीं बल्कि पूरे मंडल की नाक और शान थे। आज हमारे ही नहीं बल्कि पूरे मंडल के सर से साया चला गया। मंडल के जितने भी गांव ब्लॉक थे उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए कल से ही प्रार्थना कर रहे थे। मालूम हो कि भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रहे चौहान ने अंतिम टेस्ट मैच 13 जुलाई 1981 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। सन 1981 में ही चौहान को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। राजनीति में प्रवेश के बाद चेतन चौहान ने 1991 व 1998 में अमरोहा लोकसभा से सांसद रहे। 1999 व 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास का टिकट दिया, किंतु किस्मत ने साथ नहीं दिया, जिस कारण चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव में नौगावा सीट से चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री जावेद आबदी को हराकर विधानसभा पर कब्जा किया। उत्तर प्रदेश सरकार में रहते मंत्रिमंडल में चेतन चौहान के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय थे। जी आज जो चेतन चौहान, माननीय चेतन चौहान जी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के दौरान मृत्यु हुई है, क्या है पूरा जी क्या है पूरा मामला? जो पूरा मामला, हम लोग एक बेहद शोक में डूबे हुए हैं। हमारा परिवार ही नहीं, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र ये मानने को अभी तक तैयार नहीं है कि हमारे बीच से माननीय हमारे चेतन चौहान जी का चले गए हैं या निधन हो गया। अच्छा, चेतन चौहान जी मुंडा पांडे आते थे तो कैसा महसूस करते थे? मुंडा पांडे हमेशा पहले से आते रहे, दो बार लोकसभा भी चुने गए। अपने जीवन में उन्होंने 6 लोकसभा चुनाव लड़े, 6 में 2 चुनाव अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से जीते, 4 चुनाव हारे, जिनमें 1 चुनाव दिल्ली, नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से लड़े। शीला दीक्षित के बेटे थे, योगेश दीक्षित, जन क्या नाम था भूल गया हूँ, उनके मुकाबले भी लड़े। फिर अमरोहा से मोदी जी की लहर में टिकट काट दिया गया पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के गुमराह होने पर। फिर नाराज हुए पार्टी से, लेकिन कभी पार्टी लाइन से नहीं हटे। बहुत लोगों ने उन्हें कहा पार्टी छोड़ दो, ये कर दो, बोले नहीं, मेरी अंतिम सांस भारतीय जनता पार्टी में ही रहते हुए ही निकलेगी। और अमित शाह ने जी ने और उत्तर प्रदेश के या भारत की भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उन्हें फिर से एक प्रेरित किया और नौगामा सादात विधानसभा से MLA का पार्टी ने टिकट दिया और वहाँ की जनता ने उन्हें विजयी बनाया। MLA बनने के बाद में UP की सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री बनाए। बीच में फिर बदल हुआ, फिर नागरिक एवं होमगार्ड सुरक्षा मंत्री वर्तमान। कितना समय हो गया राजनीति में आओ? राजनीति में सन 91 में आए थे, 90 में आए थे, 91 में पहला लोकसभा चुनाव जब जनपद मुरादाबाद में अमरोहा हुआ करता था। आज जो घर पर कैसे शोक की लहर है? बिल्कुल एकदम, पूरा घर ही नहीं, पूरा परिवार, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र एक बहुत बड़े शोक में डूबा हुआ।